के साथ ही मैच करते हुए चलिए, ठीक है। ज्यादा राइट भी मत चलिए और ज्यादा लेफ्ट भी मत चलिए, ठीक है। उसको मैच करते हुए आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये बिगिनर के लिए ज़्यादा, यहाँ पर देख सकते हो आप हम्प भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी गाड़ी जो है 20 से ऊपर है और मेरी गाड़ी जो है थर्ड गियर के एंगेज है, क्योंकि 30 तक स्पीड है मेरी। मुझे उस बस को ओवरटेकिंग करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ना क्रॉस ज़्यादा है, सतर्क हुई है और चलते बनी है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे अभी मेरी गाड़ी जो है थर्ड गियर पे ही है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ट्रैफिक मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको चन्नम्मा सर्कल, हुबली का जो बहुत फेमस है ये चन्नम्मा सर्कल, बहुत बिजी रोड भी है, क्योंकि सारे ट्रैफिक यहाँ पर मिलते हुए चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ डेफिनेटली हाँ, देखिए यहाँ पर ऑटो वाले आते रहते हैं तो सडन से बस स्टैंड स्टॉप कर देती है, तो उसके पीछे लेफ्ट से कोशिश मत कीजिए ओवरटेकिंग करने की, क्योंकि वहाँ पर लोग उतर सकते हैं, ये बात माइंड में रख लो। हमेशा बस के पीछे जाते वक्त बस खड़ी होती है तो उसके लेफ्ट से कभी भी ओवरटेक मत कीजिएगा, यहाँ पर लोग आते रहते हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे मेरी गाड़ी जो है फर्स्ट गियर पे एंगेज है और मैं हाफ क्लच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सॉरी, मेरी गाड़ी जो है अभी सेकेंड गियर पे एंगेज करके रखा था, अभी मैं चेंज कर लूँगा फर्स्ट गियर पे। तो यहाँ पर देखिए लोग अंदर से अंदर ही चले जाते हैं, और बस को आप हमेशा लेफ्ट की तरफ से ओवरटेक मत कीजिए, क्योंकि लोग वहाँ से कूद जाते हैं, एक एक बार उतरने की जल्दी में वो कूद जाते हैं ना। तो चलिए 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 चलते रहिए, बहुत बिजी है यार यहाँ पर, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और आपको अपनी गाड़ी की जजमेंट सही तरह से पता होनी चाहिए, और आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्या बोलते हो उमेश, बिना प्रैक्टिस के अगर इस तरह के रोड के अंदर उतर आओगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगी। बोलिए, अगर ऐसे रोड पे आप सीखना आपका काम हो जाएगा। ये बस जो है अंदर जाने वाली है, तो आपको उनको जाने दीजिए या फिर अपन यहाँ पे रुकते हैं, क्या करेंगे, चलो क्या, यहाँ पे नहीं है, ओ शिफ्ट हो गया क्या, वो तो हाथ दे रहा है, देखो यार उनको बहुत अर्जेंट रहती है, तो चलो जाने दीजिए उनको, हम ही रुक लेते हैं ना, अगर उनको एक से बढ़कर एक बस सा रहे यार वैसे आते रहेंगे हम, तो हमें निकलना होगा यहाँ पे। कॉन्फिडेंस बना कर रखिए और चलिए, पीछे से हॉर्न मारेंगे, डोंट वरी, आप सिर्फ आगे का ध्यान दीजिए। अगर पीछे के तरफ आप ध्यान दोगे ना, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कुछ हट जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी खुली जगह है यहाँ पे, हाँ शांति है यहाँ पे, क्या बोलते हो उमेश दोस्तों आपसे ना कुछ व्यूज तो आ रहे, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए यार चाचा जी, देखिए यहाँ पर मामा है ओके, बस को क्या कर रहे हो, तो बोल रहे अरे 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 क्या यार, क्या बोल रहे हो, ऐसे होती रहती है, फ्रस्ट्रेशन सबको होती है, लेकिन क्या करे, देखिए कैसे चला रहे वो ऑटो वाले, क्या करे यार, फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी में आ गए हम भी ना। तो देखा ना अभी ट्रैफिक कैसी थी, हमने कैसे मैनेज किया। दोस्तों इस तरह के ट्रैफिक के अंदर आपकी गाड़ी की जो जजमेंट है, क्लच मूवमेंट्स है, उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी की डायमेंशंस अगर आपको सही तरीके से पता है ना, तो तकलीफ नहीं होगी, क्या बोलते हो आप, ठीक है ना, सही है। हाँ एक बार आप देखिए हम, हाँ हो गया, हो जाती है थोड़ी सी यहाँ पर आपकी जो चूक है ना, मिस हो जाती है, तो आपने देखा ना राइट तरफ से सीधा बस आ गया, टेम्पो आ गई थी, और ये ऑटो रिक्शा वाले हाथ करके अंदर खींच जाते हैं, हमको क्या पता चलेगा यार कहाँ जा रहे हो, करके ये क्या हो गया, हाँ उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते है पूरा। अभी मेरी गाड़ी जो है सेकंड गियर पे एंगेज है, ये देखिए क्योंकि रोड फ्लैट है ना, इसके लिए मैं सेकंड गियर पे चला रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट गियर में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी ही होगी, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी जो है आपकी बंद होने की खतरा कम रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ वाइडर रोड है, लेकिन अपने हिसाब से गाड़ी चलाएंगे यहाँ पर, अगर आप स्पीड चलो, देखिए यहाँ पर आपको स्पीड चलनी तो है, लेकिन बहुत मायने में रखिए, मतलब स्ट्रेट में चलनी होगी, अगर ऐसे 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 करेंगे ना तो चांसेस रहते हैं आपकी गाड़ी के साथ कुछ ऑटो वाले या बाइक वाले आके टच हो जाए। चलिए सही है ना उमेश जी, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हम इतना एफर्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन व्यूज तो आ रहे हैं, तो अब तक हम 10K के नियर है, बहुत नज़दीक है, देखेंगे इस वीडियो डालने से पहले 10K होते हैं
या उससे इसके बाद होते हैं। हम आपके लिए विश करेंगे आप इससे पहले ही हमें 10K सब्सक्राइबर्स सर्कल कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइस, क्योंकि बहुत कम समय में आपने हमको सपोर्ट किया है। और देखिए थोड़ी सी यहाँ पर B2B है, तो मेरी गाड़ी जो अभी भी फर्स्ट गियर पे थी और हमें लेनी है लेफ्ट टर्न, तो हमने ले ली है लेफ्ट टर्न। अरे 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 आई एम सो सॉरी। चलिए तो यहाँ पर कुछ थोड़ी देर के लिए शांति रहेगी, क्या बोलते हो? हाँ दोस्तों, आप कमेंट्स कीजिए अगर आपको कुछ तकलीफ है या फिर डाउट्स है, तो हमें कमेंट्स कीजिए। अगर हम आपके लिए रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, तो वहाँ पर आपको तुरंत आंसर्स मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं, लेकिन हमें भी इच्छा है Q&A करने की, तो करें। कब करेंगे उमेश जी? कब तक है टाइम? 10K होने के बाद 10K के बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स हफ्ते में, हफ्ते में एक बार जरूर आएंगे। टाटा बोल्ट वाले क्या कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली हम भी निकले क्या? जा सकते हैं, लेकिन वो कट हो जाती है ना रोड, वो बुरी बात है। चलेंगे। चलती है क्या गाड़ी? चल सकती है आराम से। देखिए हमने कितनी कंजेस्टेड एरिया में आके खड़ी कर दिया है हमने भी। एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वन वे है ना, चलता है। चलो कोई नहीं, अब मेरी गाड़ी जो है फर्स्ट गियर पे एंगेज है। मैं एक्चुअली गियर को न्यूट्रल किया हूँ और क्लच से पाँव हटा दिया हूँ, क्योंकि तो ट्रैफिक में जितना ज़्यादा क्लच दबाओगे ना, उतना गाड़ी आपकी क्लच प्लेट हीट होंगे, तो इसीलिए थोड़ी सी भी रिलीफ मिल जाती है आपकी क्लच प्लेट को। तो अभी फिर से गाड़ी निकल रही है, फर्स्ट गियर को एंगेज किया, हैंड ब्रेक रिलीज किया, क्लच पकड़ा हूँ और ब्रेक भी पकड़ के बैठा हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पर तकलीफ आपको झेलने की ज़रूरत है। थोड़ी थोड़ी सी अगर क्लच छोड़ोगे ना, तो आपकी गाड़ी जो है आगे जाने के लिए रेडी हो जाएगी, तो तब तक आप आराम से चल सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। 15 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो आई होप दोस्तों ये पार्ट में देंगे या फिर आपको फुल वीडियो में देंगे, डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे एडिटिंग करने के बाद या बिफोर, हमें डिस्कस करनी होती है। दोस्तों इस तरह के रोड के अंदर आपको बस जा रही है तो उनको छोड़ दीजिए। जय श्री राम। छोड़िए, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हमें फॉलो करनी होती है। सीरीज़ मत मिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक सीरीज़ में चल रहे हो ना, तो उसी सीरीज़ में आपको चलानी होगी, ठीक है। इस तरह से नहीं, यहाँ पर कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कर्व रहते हैं ना, वो आपके लिए बहुत डेंजरस बन सकते हैं। वहाँ पर पत्थर भी रहते हैं, तो उसको मैं इसीलिए कह रहा हूँ एक्सट्रीम राइट भी मत चलिए, एक्सट्रीम लेफ्ट भी मत चलिए, एक बैलेंस बना के चलिए, ठीक है। नहीं, आगे फाइट हो रही है, आराम से जाएंगे। मैं ये इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, एक्सट्रीम राइट गया तो ना आपकी गाड़ी की जो जजमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, और वहाँ पर कुछ पड़े हुए रहते हैं, कचरा वगैरह रहती है ना, तो क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? क्या यार, इतनी भी सब्र नहीं कर सकते हो? ओह शिट, क्लच मोमेंट यहाँ पर मिस कर गए हैं दोस्तों, सॉरी फॉर द मोमेंट, क्योंकि ट्रैफिक तो हमने निकल के आ गए हैं, हमारी कुछ इश्यू हो गई है फ़ोन की, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन गई। ये देखिए क्या यार, क्या करते हो यार, स्टंट यहाँ पे क्या यार, स्टॉप क्यों हो गई थी बीच में? सो यहाँ पे फिर से शुरू हो गई है क्लच मोमेंट की वीडियो, देखेंगे कब तक चलेगी। कुछ इश्यू हो रही है, 15 मिनट के हो गए हैं ऑलरेडी, आई होप आप अंडरस्टैंड करे होंगे। मेरे से गाड़ी जो है सेकंड गियर पे है अभी, हाँ बज गए उमेश का क्लच मोमेंट्स। यहाँ पर मेरे गाड़ी जो है सेकंड गियर पे है। क्या हुआ? फर्स्ट गियर में गाड़ी को एंगेज करो यार, चलते बनो। ऑलरेडी 18 मिनट्स की वीडियो हो गई है दोस्तों। अरे यार बहुत बढ़ गई क्या ट्रैफिक की वीडियो, जो है बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आप बम्पर टू बम्पर देख सकते हो ना, तो यहाँ पर देखिए मेरे क्लच मोमेंट्स को भी देखिए। चलिए मौका मिलते ही आपको गाड़ी निकल के चली जानी होती है, ठीक है। फर्स्ट गियर में ही गाड़ी एंगेज है मेरी, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट गियर पे एंगेज है, और मैं थोड़ी सी हाफ क्लच और
ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या हो क्या रहा है यार आगे? क्या हो गया है यहाँ पे एक्चुअली? तो दोस्तों इस तरह के ट्रैफिक के अंदर आपकी क्लच प्लेट से हीट अप होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसीलिए रेज मत दीजिए, मतलब गैस पेडल के ऊपर आप पैर मत लीजिए, जब चाहे उतना ही आप देख सकते हो। कुछ लोगों की आदत होती है वो एक्सेलरेशन पेडल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देके गाड़ी को हाफ क्लच में लेके वो उठाते रहते हैं, हमने देखा है कई बार और उन लोगों को सजेस्ट भी किया है उन्होंने, ऐसे मत कीजिए क्योंकि आपकी गाड़ी की जो लाइफ है, आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट की जो लाइफ है, लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाती है, ऐसे चलेंगे तो क्या यार ये। इसीलिए हम बोलते हैं ना एक लेन को फॉलो कीजिए, लेन को मेंटेन कीजिए करके हम बोलते रहते हैं, लेकिन सुनते नहीं है यार ये लोग। बेटर है गाड़ी को एंगेज कर दे फर्स्ट गियर में। हुआ क्या है, दिक्कत हो रही है? राइट साइड जाने वाले रहते हैं ना। अरे यार हमें तो लेफ्ट लेनी है, लेफ्ट लेते वक्त आपको लेफ्ट इंडिकेटर लगानी होगी दोस्तों, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है, अगर सीधे से आके डायरेक्टली ऐसे घुसेंगे तो क्लच मोमेंट का वीडियो चली गई है फिर से, इसका कुछ करना पड़ेगा यार। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है ना तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती है। चलिए ओके, तो दोस्तों अब तक तो क्लच मोमेंट थी जहाँ जहाँ होना था वहाँ पर मौजूद है वो, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो डोंट वरी, हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपको वाइड एंगल्स मतलब बाहर की व्यू जो है वो प्रेजेंट करें, और उसके साथ साथ भी आपको ना क्या बोलते हैं आप सारे एंगल्स को कवर करके इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक में चलेंगे और तंग गलियों में चलेंगे। ये तो कुछ रोड्स थी और हमारे आने वाली जो एपिसोड है तंग गलियों में चलेंगे, मतलब बहुत ही कंजेस्टेड एरिया होती है उसके अंदर हमें गाड़ी चलानी होगी, किस तरह से चलानी है, क्लच मोमेंट्स और वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो वी होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक बिना लाइक किए मत जाएगा क्योंकि इतना सारा एफर्ट हम आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है ना तो इसीलिए हम आपके साथ रिक्वेस्ट करते हैं आप जितना ज़्यादा हो सके हमें सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमें अच्छी कैसी वीडियो बन रही है, लेकिन शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ना, तो जो भी लोग ड्राइवर सीखते हैं मतलब सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे आने वाले एपिसोड में Q&A करेंगे, 10,000 के बाद Q&A होगी और उसके बाद हफ्ते में एक बार तो Q&A करेंगे डेफिनेटली, ट्राई करूँगा हफ्ते में दो बार वीडियो डालने की, लेकिन कुछ आपके रिस्पांस की वजह से हमने वीडियो नहीं डाले हैं, हफ्ते में एक ही बार कर रहे हैं क्योंकि हमें रिस्पांस संडे को ही ज़्यादा आ रही थी, ठीक है? फ्यूचर्स प्लान्स रहेंगे फिलहाल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हैव अ सेफ ड्राइव अहेड, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।